डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? ज्यादा सीरियस तो कोई बात ना है ना? चोट बहुत गहरी है और ब्रेन के करीब भी। अच्छी बात यह है कि समय से ट्रीटमेंट हो गया और सर में कहीं ब्लड क्लॉट होने की वजह से ब्रेन हेमरेज होने का भी रिस्क था। इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि ये किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना लें और किसी भी बात से इनको गुस्सा ना आए। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खुश रहे। बाकी की मेडिसिन मैंने लिख दी है। अच्छा आरवी जी, अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं आपको बाहर छोड़ दूँ। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। हम तुम्हारे साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। बड़े दिल वाले अंकल जी। और कुछ ना? अब ठीक है, मैं चलता हूं। आराम करने दो। बड़े दिल वाले अंकल जी। जब तक दीदी ठीक ना हो जाती तब तक मैं कुछ दिनों के लिए उन्हें अपने पास रख लूं। गलत ना समझिएगा, पर ऐसी हालत में जो मैंने दीदी को राजस्थान भेज दिया तो वहां उनका ख्याल रखने वाला कोई भी ना है। मम्मी और दादी भी तीर्थ पे गए हुए हैं तो साहबात भी ना भेज सकती। डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि दीदी ने किसी भी तरीके की कोई टेंशन ना होनी चाहिए, पर काम करेंगी तो टेंशन तो होगी ना। मैं जानती हूँ कि मैं अब तक बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ, पर मेरी बहन है, सगी बहन, खून का रिश्ता है हमारा, है ऐसे कैसे छोड़ दूं ऐसी हालत में? प्लीज बस कुछ दिनों के लिए। नहीं बेटा, तुम्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ। तुम जो कुछ भी कह रही हो अपनी जगह पे तुम सही हो। हमें इसके यहाँ पे इस हालत में रहने पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जिस लड़की को तुम रोकने की बात कर रही हो वो लड़की मेरे बेटे के दिल का घाव है। तो अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे यहां रोकने में तो हमें भी नहीं। इसलिए बेटा बेहतर ही होगा कि तुम एक बार ना तुम मीत से भी बात कर लो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं?